अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। अर्धकुमारी यही जगह है, और देखिए जहाँ माता 9 महीना गुफा में रही थी, ये वही जगह है। देखिए जैसे ही अर्धकुमारी से आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको एक सरकारी चाय का ढाबा मिलेगा। 3 दुकानें हैं, उस दुकान में किसी एक में आप अपना कैमरा, लैपटॉप या जो कुछ भी आपका जो कीमती सामान है जो अलाउड नहीं है, वो आप वहां जमा कर दीजिए लॉकर में, और पर्ची ले लीजिए। जब आप वापस आइएगा वहां से, तो वो सामान आप लेके चले जाइएगा। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मैं अपना गोप्रो वहां जमा कर दिया। जब नेक्स्ट डे मैं वहां वापस आया और गोप्रो का पर्ची दिया लेने के लिए कैमरा का, तो उन्होंने मेरे लगा बिहारी समझ के बोल, मुझे लगे ऐसे वैसे करने की आपका कैमरा कोई और आपका दोस्त था कि लेके चला गया। मैंने बोला भाई मेरा पर्ची मेरे पास है, मैं अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर से एक बार जय माता दी। और अभी एकदम मतलब हल्की हल्की बारिश चल रही है बाहर, और हम लोग निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो हमारा प्लानिंग शाम को जाना था 5 बजे से, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा जल्दी जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ऐसे भी जो लोग हमारे अपने हैं, उन्होंने बताया कि आप जल्दी निकल जाइए ताकि दिक्कत नहीं होगा। तो पूरी गैंग के साथ निकलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का जर्नी। तो जय माता दी। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी, देखिए मौसम देखिए कैसे, ये बादल देखिए आप। ओ भाई क्या सीन है बादल का, ये देखिए एकदम लग रहा है ऊपर पहाड़, और एक्चुअली पहाड़ है ही, और पूरा बादल भी दिख रहा है एकदम। फाइनली हम लोग निकल गए, मेन गेट पे आ गए, और बारिश हो रहा है इसलिए रेनकोट पहने हुए सबको ही है। तो चलते हैं अभी अंदर, फिर अंदर दिखाते हैं आपको। अभी हमारा सामान वगैरह सब स्कैन होगा सामने। ये सामने गेट दिख रहा है, यही है मुख्य द्वार वैष्णो माता में एंट्री करने का, और ऊपर का नज़ारे भाई साहब पहले ही दिल गार्डन गार्डन हो रखा है यहाँ। यहीं पे भाई साहब के पास हम अपना कैमरा जमा किए हैं और रसीद ले लिए। तो अभी हम लोग का चढ़ाई शुरू हो गया है, और एक्चुअली हमारा जो गोप्रो कैमरा था वो बाहर रखना पड़ा क्योंकि अलाउड नहीं है कैमरा यहाँ पे। तो आप लोग जो भी भाई हैं लेके ना आए कैमरा वगैरह। क्या मस्त मस्त दुकानें भाई, अंदर देखिए वो एकदम झूला टाइप का बना हुआ है। तो ये अभी बाणगंगा है, लेकिन इसमें पानी है नहीं एकदम बिल्कुल भी, जहाँ पैर वैर धोया जाता है, लेकिन थोड़ा सा पैर को भिंगा लेते हैं उसके बाद चलेंगे। भाई साहब बहुत ठंडा पानी है भाई। यहाँ जो मस्त मस्त चीजें देख रही है ना, मुझे यहाँ देखिए नाव दिख रही है पूरा एकदम लाइटनिंग के साथ। यहाँ पूरा घोड़ों का वो लगा हुआ है, अगर आप घोड़ा से भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप घोड़ा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। बारिश में वैष्णो माता घूमने का मजा ही अलग है, सीधे डबल जो भी आप क्या डबल सबको देखिए, सबको प्राकृतिक खुशबू एक आता है धीनी धीनी, वो अलग है। चश्मा पहन के चढ़ रहे हैं बाकी सब लोग चश्मा खरीदने वाला लेके कोई तो आया नहीं है, तो सोचा अंदर खरीदेंगे बाहर खरीदेंगे, इस चक्कर में खरीदाया भी नहीं। पूरा धुआं जैसा निकल रहा है वहां से, मंदिर है कोई, वो भी कोई मंदिर ही है सर। बर रहा था लेकिन ब्लॉक हो गया। वो सब घर है ना, वो देखिए वहाँ पे घर है। हम लोग नीचे से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं ना उधर से, ऐसे देखिए वहाँ से आ रहे हैं हम लोग। और लग रहा है कितना नजदीक से आ रहे हैं यहीं से। अभी पूरा खड़ा चढ़ाई मिल रहा है हम लोगों को, और सामने देखिए ये चीज मतलब अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी मस्त एकदम नीचे देखिए कितना गीला हुआ है, जो लोग जूता पहन के आए उनका तो और हालत खराब है, जूते वाले लोगों का। तो अभी हम लोग सीढ़ी वाला रास्ता लिए हैं, जो 360 सीढ़ी है वो थोड़ा नज़दीक पड़ेगा इसलिए हम लोग लिए, और हमारे कुछ ग्रुप वाले ऊपर चले गए। बारिश हो रही है, हमें नीतीश है और दो लोग नीचे हैं, सांस थोड़ा अप डाउन मार रहा है, तो डोंट माइंड गाइज। ये देखिए नीतीश हटने मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कैमरा के सामने आते बोला बहुत अच्छा, इतना मजा क्यों आ रहा है। ऊपर भी कनेर वाला भी खुल गया भाई, एकदम पूरा एकदम टॉप चल रहा है अभी वैष्णो माता। ऊपर हर चीज मॉडल, नया नया चीज खुल रहा है। बोल साचे दरबार की जय। हो टॉप, एकदम टॉप पे आ गए अभी, बहुत मतलब एकदम टॉप पे नहीं बोले, 30% तो आ गए हम लोग। सीढ़ी से आ रहे, बारिश भी हो रही है, लेकिन मौसम से मजा आ रहा है। ऐसे नॉर्मल रहता तो उतना मजा नहीं आता जितना बारिश में आ रहा है, भींगते भींगते ऊपर पहुंच जाना है कैसे भी।
भाई सचिन कैमरा देखते बोले आई एम सो एक्साइटेड। श्रीनगर जाएगा ना? हैं? अच्छा कैसा सीन है इसका भाई? अभी मस्त जगह है लोग, पूरा एकदम दिख रहा है क्या, पूरा दिख रहा है एकदम कटरा टोटल देख लीजिए आप इसी से। वहाँ एकदम नीचे से आ रहे हैं वहाँ से। तभी ऐसा टाइम है यहाँ आप एक लाइक तो करके जाओ वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक कर दीजिए सर यहाँ से आप साहब। मतलब असली मजा तो यहाँ ऊपर आने के बाद दिख रहा है क्या सचिन? मजा बहुत, एक्साइटेड हो भाई साहब? अभी हम लोग नीचे आ रहे थे थोड़ा सा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ही ऊपर आए तो मतलब पूरा दिखने लगा एकदम। देखिए एकदम लग रहा है कि बादल है पूरा। अर्धकुमारी यही जगह है, और देखिए जहाँ माता 9 महीना गुफा में रही थी ये वही जगह है। और भाई साहब यहाँ मतलब अगर आपको दर्शन करना है ना तो आपको कम से कम 2 दिन का वेट करना होगा यहाँ टोकन लेके, ऐसा सीन है। यहाँ सब कुछ खाने का मिल रहा है, मैकडोनल्ड वगैरह सब कुछ है। आप भगवती भवन मतलब आश्रम भी है, आप रुक भी सकते हैं और पूरा भेज खाना मिलता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके क्योंकि रास्ते में हम लोग को पड़ा है डोसा खाने का मन कर रहा था, तभी ऑर्डर किया है, डोसा आता है फिर खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ 55 रुपये का डोसा आया है हमारे पास, तो हम लोग टेंशन में है कि क्या हुआ, तो अंदर पता चल रहा है भुजिया है। कैसा है टेस्ट नीतीश, टेस्ट कैसा है? लेकिन फिर भी चलते हैं पहाड़ पे, अभी यही बहुत है, दूर से दर्शन हो जाएगा। भाई यहाँ के बंदर बहुत बदमाश हैं, वृंदावन वाले तो लेके दे देते हैं ना, यहाँ वाले सामान लेके चले जा रहे हैं, लंगूर हैं बड़े बड़े। माता जी के मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से, फिर हम लोग निकलेंगे अंदर की तरफ। क्या मतलब अच्छा लग रहा है ना एकदम बवाल। और अभी हम लोग ये अंदर वे टू भवन वाले रास्ता से जा रहे हैं। देखिए भीड़ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं साइड में, क्योंकि जब आप लौटेंगे उधर से दर्शन करके तो थोड़ा सा दर्द वगैरह हो जाता है हाथ पैर में, तो वही सीन है यहाँ। आई होप हम लोग आए तो एकदम तंदुरुस्त रहे। ये उजला गमछी वाला कौन चला है? राजू ठंडा लग रहा है क्या? ठंडा लग रहा है इसलिए राजू ये पहन रखा है। सचिन ठंडा लग रहा है? ओ भाई तुम कितना झूठ बोलते हो यार। अभी पता है इस बोला तो कि एक चीटर भी होना चाहिए साथ में। इस वाले रोड से चल रहे हैं, ये रोड एकदम मतलब अर्धकुमारी से जब आगे बढ़ेंगे ना आप तो ये रोड एकदम मस्त मिलेगा आपको एकदम बराबर, लेकिन आपको यहाँ फील होगा कि आप चढ़ नहीं रहे आप उतर रहे हैं, ऐसा सीन होने वाला फिर, लेकिन आगे से शायद चढ़ने वाला है। तो देखिए जैसे ही अर्धकुमारी से आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एक सरकारी चाय का ढाबा मिलेगा, ऐसा यहाँ चाय पीजिए, बेहतर चाय मिलेगा आपको और 6-7 रुपए में इतना मतलब झकास चाय मिलेगा ना कि आप पी के देखिएगा उतना आपको बाहर में कहीं अच्छा चाय नहीं मिलेगा, ऐसा सीन है। तो अभी हम यहाँ चाय पीने वाले, देखिए यहाँ सब चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। ये क्या है? ओ भाई मोबाइल इतना सेफ्टी में रखे हो, यहाँ आप राजमा चावल भी खा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग चाय पियेंगे। तो चाय आ गया अभी हमारा, पीते हैं चाय। कॉफी? कॉफी है क्या बात है, कॉफी है कैसे पड़ा? सॉरी गाइस 15 रुपए है ये कॉफी जो है, चाय थोड़ा रे वैष्णो देवी श्राइन बोल रहे हैं। ओहो और इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, कॉफ़ी का चार्ज 15 रुपया, चाय का थोड़ा कम है। भाई साहब अभी हम लोग पहाड़ पे हैं और 7 बज रहा है, और 7 बजे देखिए यहाँ धूप निकला हुआ है। हमारी तरफ 7 बजे अंधेरा हो जाता है बिहार यूपी में, लेकिन यहाँ अभी पूरा धूप निकला हुआ है। पूरा ऐसे ऐसे चढ़ के हम लोग आ रहे हैं और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हुए आ रहे थे एकदम। ये देखिए ये पूरा सड़क ऊपर तक है और ये डेंजर एरिया है, यहाँ से जल्दी निकलते हैं और निकल के और 400 मीटर है। ये सब खंभे में सॉकेट लगा हुआ है ताकि देखिए ये पत्थर जो है एकदम नज़दीक है, अगर गिरेगा भी तो ये जंप कर जाएगा। तो प्रसाद वगैरह ले लिए, देखिए सब कुछ लेके जा रहा है, आनंद भी नीतीश भी, जय माता दी, जय माता दी। तो अभी चलते हैं, ये मेन प्रसाद है, 100 का आता है, ले लीजिए आप, उसमें नारियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। रक्षा सूत्र का चार्ज थोड़ा सा अलग लगता है, 20 रुपए का आपको अलग से मिलेगा।
जय माता दी, जय माता दी। ये हुई ना बात, ये देखिए। अबे आ क्या पता उधर से आ जाए, यहाँ से देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए माता जी का पूरा दिख रहा है दरबार। ये सामने से लाइन लगी हुई है पूरी, हम लोग भी जा रहे हैं, यहाँ से लाइन लगेंगे। तो गाइज फाइनली हमारा दर्शन हो गया और रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और हम यहाँ छुप के वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत गंदा वाला यहाँ पे हो रहा है और इतना भीड़ था ना, 2 किलोमीटर लाइन लगा था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, 1.5 घंटे में हम लोग दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो अभी का मौसम है ना, अभी के मौसम में मत आओ यार, परेशान हो जाओगे। अगर कोई अपना जान पहचान का या नहीं है तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। लेकिन चलिए, वैष्णो माता का लाख लाख शुक्रिया कि हमारा अच्छा से दर्शन हो गया और हम एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अब काल भैरव का दर्शन करने जाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाता हूँ, बहुत ही तगड़ा है, तगड़ा इन केस कि बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। ये देखिए बारिश कितना ज्यादा हो रहा है, सब किसी का हालत का, लोग छुप छुप के भाग रहे हैं। ये हमारा ग्रुप, सब पहने हुए हैं रेनकोट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना रेनकोट का कोई भी नहीं आ रहा है। देखिए ओहो क्या माहौल है भाई, बारिश देखिए, बारिश क्या गाइस, मस्त दर्शन हुआ, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया ना, बहुत जल्दी कर लिया ना, क्या बहुत अच्छे से दर्शन, कैसा, बढ़िया बढ़िया ना भाई। ये लग रहा है कहीं पहाड़ से पानी आ रहा है, इतना ठंडा है ये, मतलब पैर में जिसके सट रहा है, हालत खराब। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, ये देखिए कितना भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत, कोई भी होटल वगैरह खाली नहीं है, ये सब होटल बुक है, मतलब इन सेंस की खाने के मैटर में बुक है, एक भी चेयर खाली नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग भैरव बाबा का चढ़ाई कर रहे हैं, सबका हालत खराब है, रोपवे रात में बंद हो जाता है, तो रोपवे का टाइम है 5-6 बजे, वो बंद हो जाता है, तो इसीलिए रात में सब कोई ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग पैदल से, टिक 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 करते करते, सबका हालत खराब है और बारिश अलग लेवल पे हो रही है, मेरे दोस्त का खास है। सीन बने हुए हैं इसके। तो भैरवनाथ का दर्शन करने हम लोग पहुंच गए हैं, देखिए ये सीढ़ी जाता है अंदर लाइन, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, भीड़ दिख रहा है क्योंकि रास्ता इधर ही से उतरने का, जो लोग इधर आते हैं। तो हम लोग प्रसाद वगैरह ले लिए हैं भैरवनाथ का, भभूत वगैरह होता है कुछ, तो अभी चलते हैं दर्शन कर लेते हैं। और रात के अभी 3 बज रहे हैं, तो दर्शन करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे सीधे नीचे के लिए। तो फाइनली अभी 3:30 में भैरव बाबा का भी दर्शन हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग सीधे कटरा निकलते हैं। तभी जस्ट यहाँ सुबह हो रहा है, 5 बज रहा है सुबह का, और अर्धकुमारी के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो सोचे थोड़ा सा मॉर्निंग देख लेते हैं यहाँ का, फिर जाएंगे नीचे। तो ये है सुबह 5:30 का अर्धकुमारी का व्यू, वाओ, मतलब भाई साहब मस्त लग रहा है। कल तो हम लोग आए तो बहुत ज़्यादा बारिश होता, फिलहाल आनंद का हालत खराब है, अब जल्दी से घर पहुंच जाएं। और सुबह का ऐसा ऐसा मौसम देख के, ऐसा ऐसा व्यू देख के आपको प्यार तो हो ही जाएगा यहाँ से, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है अभी अपना। तो अभी हम होटल आ गए हैं, तो सोचे आप लोगों को कुछ स्टोरी बताएं कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या था। एक्चुअली जब आप कैमरा वगैरह या टैबलेट लैपटॉप लेके जब जाएंगे तो आपको वैष्णो माता के मेन गेट से एंट्री तो मिल जाएगा, लेकिन जहाँ सामान चेकिंग होता है वहाँ से आपको वापस भेजा जाएगा और बोला जाएगा कि आप जाइए वहाँ लेफ्ट साइड में 3 दुकानें हैं, उस दुकान में किसी एक में आप अपना कैमरा लैपटॉप या जो कुछ भी आपका जो कीमती सामान है जो अलाउड नहीं है वो आप वहाँ जमा कर दीजिए लॉकर में और पर्ची ले लीजिए। जब आप वापस आइएगा वहाँ से तो वो सामान आप लेके चले जाइएगा। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मैं अपना गोप्रो वहाँ जमा कर दिया, जब नेक्स्ट डे मैं वहाँ वापस आया और गोप्रो का पर्ची दिया लेने के लिए कैमरा का, तो उन्होंने मेरे लगा बिहारी समझ के बोल मुझे लगे ऐसे वैसे करने कि आपका कैमरा कोई और आपका दोस्त आके लेके चला गया। मैंने बोला भाई मेरा पर्ची मेरे पास है, मैं अभी अंदर से आ रहा हूँ, तो फिर दोस्त कैसे लेके चला जाएगा। तो वो सोचे कि एक बिहारी है क्या कर लेगा, लेकिन सीन ये ऐसा हुआ दोस्त कि हमारा वहाँ अच्छा जान पहचान था जम्मू में, हमने उनसे पैसे वसूले पूरे 60,000 अपने कैमरा का और कैमरा कैसे सीरीज का। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कीमती सामान लेके जाते हो तो आप होटल रख दो, होटल में आपकी होटल की चाबी आपके पास रहेगी तो कोई टेंशन नहीं है, आप वो लॉकर में मत रखो। इन सेंस अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो आपको एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिलने वाली है वहाँ, क्योंकि वो लोग वहाँ के लोकल हैं, अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो फिर कोई चांस नहीं है। इसलिए कोई भी सामान लेके जाइए तो होटल में रखिए और फिर जाइए आप वैष्णो माता।
तो अभी हम होटल आ गए हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये था हमारा वैष्णो माता का जर्नी, जो कि जब हम चढ़ाई किए से लेके जब उतरे तक आपको दिखाए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में फिर एक धमाल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।